नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने लंबाई रखी है 14.5 इंच, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, डीपनिक गले पर ये डिजाइन है। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, देखिए 2.5 इंच पर। तो हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया, अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। 10.5 इंच इसकी लंबाई ली, अब हमें गले का निशान देखिए लगाना है। 1 इंच बाहर लेना है और इस तरह से देखिए यहाँ पर रिबन रख के इस तरह बी गले का शेप देंगे। तो ये वाला बी गला इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ से भी नीचे की तरफ से भी हमें 2 इंच की गोलाई दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से करना है। अब ये निशान हमें यहीं से दूसरी तरफ भी निकाल लेना है। तो ये निकाल लिया। अब देखिए कपड़ा लेना है और कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको रखना है। अब जहाँ से गले का निशान किया है गले पर सिलाई लगाएंगे, और जहाँ से नीचे तरफ जो निशान किया है वहाँ से सिलाई उस पर लगेगी। इसे हम बिना बुकरम इस पर नहीं यूज किया, सिंपल ही बनाएंगे। तो इस तरह गले पर सिलाई लगाई, अब देखिए नीचे की तरफ भी लगाना है। अब इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से नीचे की साइड से कट किया, अब गले की कटिंग करना है। तो ये देखिए गले की कटिंग कर ली, अब पूरे गले पर कट्स लगाने हैं। अब इस साइड भी लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया, अब इसको पलटना है। यहाँ पर सिर्फ 1 इंच आएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से यहीं से निकाल लेंगे। तो इस तरह पलट लेना है, उसके बाद अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह पूरे गले पर सिलाई लगा देंगे। तो पहले गले पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद साइड से भी सिलाई अस्तर और कपड़े दोनों पर लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा कर इस तरह से गला तैयार किया। अब हमें इस पर डिजाइंस बनाना है। उसके लिए देखिए इस तरह से कपड़ा लिया है, 1 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। अब डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमने लगा लिया। अब देखिए यहाँ से ये सीधी लाइन कर लेना है। यहाँ से अभी सीधी डिजाइन आएगी और इस पर ये जो हमने ये जो पट्टी ली है इससे हमें फ्रिल बनानी है। अब ऊपर से रखते हुए ही यहीं से छोटी छोटी सी चुन्नट देते जाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी चुन्नटें देना है। अब यहाँ से इस तरफ इसको मोड़ते हुए गले तक यहाँ तक ले जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर बनाई, हम नीचे की तरफ से भी बना लेंगे। चाहे तो बाहर बनाकर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसी पर हम बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इस पर भी यहाँ से इस सब तरफ मोड़ते हुए बना देना है पूरे पर। जहाँ तक लाइनिंग की है लाइनिंग के अंदर तक ही इसको रखना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बना ली है। अब हमें पट्टी बनाना है। तो यहाँ पर तिरछा कपड़ा कट करना है और ये पट्टी लेनी है, जैसे पाइपिंग के लिए लेते हैं। अब इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद पलट कर सीधा करेंगे।
तो इस तरह इसको पलट लेना है। और देखिए यहाँ पर भी ये लगेगी और गले पर भी लगेगी, दोनों के लिए हमने साथ में ही बना ली है, इसलिए इसकी लंबाई देखिए ज़्यादा हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लगेगी, फ्रिल हमारी आधा इंच से भी कम रहेगी चौड़ाई उसकी। अब इस तरह से पट्टी लगा देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, पट्टी के दोनों तरफ से सिलाई डालेंगे। ऊपर से देखिए हमने लगा दिया, अब नीचे से भी लगा देना है। तो हमने नीचे से भी लगा दी, दोनों तरफ से लगा दी। तो यहाँ के डिजाइंस हमारी तैयार। अब हमें ऊपर के डिजाइंस बनाने के लिए ये डोरी हमने ली है, और इस तरह से डोरी से डिजाइन हमें बनाना है। ये कपड़े की ही डोरी बना ली है, तो इस तरह कपड़े की डोरी बना लेना है, बिल्कुल गोल बनाना है, चपटी ना रहे। और इस तरह से इसे इसको सिलाई लगाते जाना है, इसे बना लेंगे उसके बाद लगाएंगे। तो सारी डिजाइनिंग हमें गले के दोनों तरफ से रहेगी, जो सीधी हमने लाइनिंग की है नीचे तक रहेगी। तो जितनी लगेगी बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेगी, एक तरफ लगभग 6-7 डिजाइनें लगेंगी। अब इस तरह इसको लगाना है, ऊपर आधा इंच छोड़ दिया है, उसके बाद यहाँ पर 1 इंच छोड़ेंगे। एक एक इंच छोड़ते हुए रखना है, एक या 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ना है। और इस तरह इसको लगा दिया। आप दूसरी तरह आप पट्टी लेंगे, ये वाली पट्टी जो हमने बनाई थी और ये वाली, अब इसको यहाँ से लगा देना है। तो एक तरफ की तैयार कर लेंगे, इसी तरह दूसरी तरफ भी बनाना रहेगा। तो इस साइड की पूरी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से सिलाई हमने डाल दी है। डालने के बाद अब इस पर इस तरह से मोतियाँ लगानी है। ये जो साइड में हैं दो डिजाइनें, इन पर एक एक लगेगी, और जो बीच में है उस पर हम 3 मोती लगाएंगे बड़ी छोटी करते हुए। तो इसी तरह से हमें पूरी डिजाइंस पर मोतियाँ लगानी है, और इस साइड की डिजाइंस भी इसी तरह बना लेनी है। तो ये देखिए दोनों साइड की डिजाइंस हमारी तैयार हुई। अब यहाँ पर एक बटन लगाएंगे। बटन बनाने के लिए कपड़े की हमें एक बटन लेना है, और इस तरह से कपड़े पर रखना है नीचे, और अच्छे से कपड़ा इस पर लपेटते हुए सिलाई लगा कर इसको बांध लेना है। तो इस तरह बटन को यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने बटन लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से मोती डाल लेना है, यहाँ से डालना है। अब इस साइड तक यहाँ तक इसको ले आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। अब बीच में इसको धागे से पकड़ा देना है, नहीं तो ये फिर यहाँ से इधर उधर होती रहेगी। तो इस तरह बीच बीच में धागा इसमें पकड़ा देंगे, अच्छे से सिलाई पकड़ा देंगे। उसके बाद धागा वहीं निकालेंगे जहाँ से हमने लगाना शुरू किया था, एक लाइन इसमें, और मोती डालेंगे अब इससे छोटी लेंगे, और इस तरह से यहीं तक इसको भी लगा देना है, और इस पर भी सिलाई बीच बीच में पकड़ा देना है। तो इसे लगाने के बाद हमारा डिजाइन बनके तैयार हुआ। अब देखिए दोनों प्लेट्स इसका डाल देंगे।
तो ये हमने दोनों प्लेट्स डाल दिया है, डिजाइंस बन के तैयार हुआ। अगर डिजाइंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।